अगर ये मधुमक्खियाँ टूट गई तो मेरे थोपड़े का क्या हाल कर सकती है आप लोगों को पता है? कमेंट करके इसको आप लोगों क्या बोलते हैं? ये कुल्हाड़ी नहीं है, ये फावड़ा है। फावड़ा देखो, अमरूद कितने प्यारे प्यारे लग रहे। और देखो इससे भी छोटा, ये देखो इससे भी छोटा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, हो गई है मेरे संडे की शुरुआत, मॉर्निंग की शुरुआत। तो संडे के दिन भाई मेरे पास बहुत ज़्यादा काम होते हैं, काफ़ी सारा काम मुझे करना पड़ता है संडे को। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है झाड़ू से। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं पूरे घर का अपना झाड़ू लगा लेती हूँ, देन उसके बाद यहाँ पर मैं लगाने वाली हूँ पोछा। और आप लोग बताइए कैसे हो, कैसा जा रहा है आपका संडे? मेरा तो संडे बस इसी टाइप से गया आज पूरा दिन। और वीडियो व्लॉग भी थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि व्लॉग अक्सर मेरे मॉर्निंग में आ जाया करते हैं, बट ये व्लॉग आज आपको शाम को इवनिंग में देखने को मिलेगा। सो बस मैं अभी लग रही हूँ यहाँ पर अपनी सफाई वफाई में। और बताइए क्या चल रहा है आपका? और यहाँ पर देखो संडे हो और मेरा बाल्टी भर के कपड़े ना धुले, ऐसा कैसे हो सकता है? तो भाई संडे के दिन मेरे बाल्टी भर के कपड़े रेडी होते हैं जो मुझे सारे धोने पड़ते हैं। तो यहाँ पर फटाफट से मैं कपड़े धोने लग रही हूँ, जितनी जल्दी हो सके अपना काम खत्म कर लूँगी। अभी सुबह के बज गए 9, झाड़ू पोछा करते करते 9 हो गए, कपड़े धोते धोते मुझे 10 बज जाने हैं अभी, देखना आप। तो बस यहाँ पर मैंने सारे कपड़े इस तरीके से जल्दी जल्दी से धोकर ख़त्म कर लिए। और संडे मेरा ऐसे ही जाता है हमेशा, आपने देखा होगा मेरे संडे के ब्लॉग अक्सर बिजी हो जाते हैं संडे को काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ पर कपड़े वपड़े धुल चुके हैं, तो चलिए फटाफट से कपड़ों को डाल देते हैं। धूप काफ़ी अच्छी आ रही है तो कपड़े फटाफट से डाल देंगे ताकि कपड़े सूख जाएंगे। और आप बताइए आपका संडे कैसा जा रहा है? आपके घर में भी ऐसे ही होते हैं संडे के दिन काम? क्योंकि मैंने देखा है अक्सर संडे के दिन लोग घूमने जाते हैं, बाहर जाते हैं, बट मेरा संडे ऐसे ही बीतता है, सारा दिन काम 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 में। तो बस यहाँ पर फटाफट से हम डाल देंगे। और यहाँ पर लवी को आप देख रहे हैं ट्राईपोर्ड के साथ पानी क्या करने लग रही है। लड़की नहाना धोना हमारा हो चुका है रेडी, हम दोनों हो चुके हैं माँ बेटी। और लवी को भी मैंने नहला दिया है, साथ में इसके बाल में बना रही हूँ। और अब बारी आती है हमारे तैयार होने की, तो बस हम तैयार हो रहे हैं दोनों माँ बेटी। और आज मैं आपको अपना गार्डन भी दिखाने वाली हूँ, तो व्लॉग में पूरा बने रहिए आप, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आज काफ़ी मस्ती करी हम लोगों ने, तो वो आप देखोगे व्लॉग में आगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम रेडी हो जाते हैं, देन अब हम खाएंगे खाना। बहुत ज़ोरों से लग रही है भूख, 12 बज चुके हैं क्योंकि सारा काम करते करते। फटाफट से हम खाना खा लेते हैं। और लवी यहाँ पर मोबाइल देख रही है, कार्टून देखते देखते ही खाना खाती है लड़की। गोभी की सब्ज़ी बनाइए, मेरी फेवरेट है, साथ ही साथ पराठे हैं। तो बताइए गोभी और पराठे किस किसके फेवरेट है? भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर फटाफट से खा लेते हैं। और जितनी स्पीड से मैं खा रही हूँ, रियल में इतनी स्पीड से मैं खाती नहीं हूँ, बड़ी धीरे धीरे खाती हूँ, क्योंकि वीडियो की स्पीड बढ़ाई हुई है तो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कितनी जल्दी जल्दी खाती हूँ भुक्कड़ की तरह, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। खाना वाना खा लिया है, सोचा थोड़ा सा गार्डन में घूम कर आते हैं। लवी बोल रही है मम्मा चलो झूला झूलना है, तो बस मैं जा रही हूँ उसको नीचे और झूला झूलाने के लिए। चलिए आपको भी दिखाती हूँ मैं, बाकी आपने देखा हुआ है हमारा गार्डन, तो बस झूला उला हम झूल लेते हैं और आप भी एंजॉय करो हमारे संडे व्लॉग को। सो फ्रेंड्स, आ गए हम झूला झूलने के लिए। तो बस यहाँ पर लवी हम दोनों पहले बहुत सारा झूला झूलने वाले हैं, और लवी को बहुत पसंद है झूला झूलना। अब मैं इसको बाहर कहीं तो लेकर जा नहीं सकती, इसीलिए मैंने सोचा चल नीचे ही हमारे झूला लगा हुआ है तो यहीं पर हम मस्ती कर लेते हैं, दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। और ये मेरे साथ खेल लेती, मैं इसके साथ खेल लेती हूँ। मैंने सोचा झूले झूलते झूलते थोड़ा गंदा भी हो रहा है, यहाँ पर काफ़ी सारे पत्ते वगैरह हो रखे हैं, पेड़ काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं, तो थोड़ा सा झाड़ू लगा लिया जाए, साफ़ कर दिया जाए। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा मैं यहीं पर अपना ज़्यादा समय बिताती हूँ, क्योंकि रील्स वगैरह बनाती हूँ, वीडियोज़ बनाती हूँ, तो मैं यहीं पर हमारा पूरा टाइम बीतता है, तो बस ये जगह साफ़ सुथरी होना ज़रूरी है। तो बस मैंने सोचा झाड़ू लगा दिया जाए, और यहाँ पर मैं कर रही हूँ क्लीन, झाड़ू लगा रही हूँ। और ये आप देख लीजिए लवी यहाँ पर कर रही है मस्ती, झूला झूल रही है इस तरीके से। और मैं इससे कह रही हूँ गिर जाएगी, बैठ जा बैठ जा। तो ये देखिए आप, कुछ इस तरीके से रहता है मेरा संडे का दिन। और पूरा यहाँ पर मैं क्लीन कर लूँगी पहले, देन उसके बाद हम करने वाले हैं और भी बहुत सारी मस्ती। और ये मेरे मोबाइल में काफ़ी सारे मैसेज बज रहे हैं दूसरे मोबाइल में, तो उसको प्लीज़ इग्नोर करना क्योंकि मैं जब एडिटिंग करने बैठती हूँ तो फिर बस मैं भूल जाती हूँ, मेरे पास इतने सारे मोबाइल पड़े हैं, एक लवी का, एक मेरा, एक जिसमें मैं एडिट करती हूँ वो वाला, तो बस इसकी आवाज़ में कम करना भूल गई। ये है हमारा आम का पेड़, इस पर बहुत सारे आम लगते हैं गर्मियों में, अभी तो आम नहीं आ रहे हैं, तो मैं यहाँ से चढ़ के आम तोड़ती हूँ। तो अभी मैं चढ़ने की कोशिश करती हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो गया पेड़ पर चढ़े हुए। तो चलिए आइए आप मेरे साथ और मुझे देखिएगा, और साथ ही साथ दुआ भी करो यार, गिर जाऊंगे तो हाथ पे टूट जाएंगे, उठाने वाला कोई नहीं है यहाँ पे, तो चलिए चलते हैं। ओह लवी बोल रही बी केयरफुल, ठीक है मैं नहीं गिरूंगी। ओके ओके, कैसे चलती है मम्मा? मुझे पता है मम्मी आपके कांटे चुभ जाएंगे, ऐसे मत करो। नहीं चुभेंगे, ये देखो मैं ऐसे चल सकती हूँ। नहीं बी केयरफुल मम्मा, आप गिर जाओगे। मैं चढ़ गई, ये देख। सो अभी यहाँ पर कोई आम नहीं आ रहे फिलहाल,
और अभी मैं चढ़ गई हूँ, आप देखती हूँ कुछ तो दिख जाए मुझे यहाँ पे। यहाँ पे मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है, मधुमक्खी का छत्ता। अगर ये मधुमक्खियाँ टूट गई तो मेरे थोपड़े का क्या हाल कर सकती है, आप लोगों को पता है। तो देख लो आप यहाँ पे नीचे आ जाओ, सबको तकलीफ होगी। अभी यहाँ पर एक भी मैंगो नहीं है। अब हम क्या करें? तो देखो दोस्तों, मुझे पेड़ पर चढ़ना तो आता ही आप समझ चुके होंगे, क्योंकि मैं अपने जब गांव जाती हूँ, अपने राजस्थान जाती हूँ, तो वहाँ पर मैं काफ़ी सारे पेड़ों पर चढ़ चुकी हूँ। इवन मेरे खुद के घर में बहुत बड़ा वाला जामुन का पेड़ है, तो उसमें मैं बहुत बार चढ़ी हूँ। तो आज आपने मुझे पेड़ पर चढ़ते हुए भी देख लिया। तो चलिए यहाँ से थोड़ा ऊपर चलने की कोशिश भी करते हैं, देखते हैं मैं चल पाती हूँ या नहीं चल पाती। तो कुछ इस तरीके से चल सकती हूँ मैं। फाइनली मैं यहाँ तक पहुँच चुकी हूँ। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ से जब मैं गिरूंगी तो मेरे हाथ पे टूटना पूरा पक्का है। और भाई इस व्लॉग को आज अगर मेरे घर वाले देख रहे होंगे तो वो बोलेंगे ये क्या खतरों के खिलाड़ी बन रही है लड़की। तो ये देखो फाइनली आज मुझे गाँव की याद आ गई यार, क्योंकि गाँव में जब जाते हैं ना तो वहाँ पर सारे लोग, जितने भी बच्चे हम होते हैं ना, वो सब पेड़ पर चढ़ते हैं। जब भी जाते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं गाँव में, तो वहाँ पर ही नेक्स्ट चढ़ा करते थे। इस पेड़ पर मैं दूसरी बार चढ़ी हूँ। तो फ्रेंड्स फाइनली पेड़ पर चढ़ने के बाद नीचे उतरने का मुझे समझ नहीं आ रहा है कैसे उतरूँ, तो सोच रही हूँ बस यहीं अपना बिस्तर लगा लूँ, यहीं सो जाऊँ। अब समझ नहीं आ रहा, चढ़ तो गई लेकिन उतरूँ कैसे यार, पर क्या करूँ, उतरना पड़ेगा। लवी नीचे से चिल्ला रही है मम्मा मुझे भी आना है, मुझे भी आना है। सो चलिए नीचे उतरते हैं। ऊपर तो मधुमक्खी लगी हुई है, बस ये अब जगने वाली है, सोई हुई है। अगर ये जग गई तो ये मुझे सुला देगी, इसलिए अब मैं फटाफट से उतर जाती हूँ। अब मैं देखती हूँ कैसे उतरूँ मैं। हे भगवान मुझे बचा लो। अयो पापा उई लो उई अटो अटो उई। अब मैं बनूंगी खतरों के खिलाड़ी शक्तिमान। ये सो फाइनली इस पेड़ पे मैं चढ़कर नीचे उतर चुकी हूँ। अब लवी बोल रहे हैं मुझे भी चढ़ना है, तो चलिए इसको भी ट्राई करवाते हैं। खतरों के खिलाड़ी की बेटी है ये भी, तो चलिए इसको ट्राई करवाते हैं। चल चल खोलो खोलो खोलो, चलो ट्राई करवाते हैं। अब मैं छोड़ दूँ इसको। कैसा लगा? अच्छा लगा। कैसा लगा चढ़ के? अच्छा लगा। आया ऊपर आया। सो फ्रेंड्स इस पेड़ पे जब आम आएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी, और हम काफ़ी सारे आम खाने वाले हैं। तो ये हमारा गार्डन भी देखते हो, तब तक आ जाओ गार्डन दिखाते हैं। और ये है अनासपति का पेड़, इसको अनानास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनानास या नास? अनानास नाशपति, नाशपति इसको बोलते थे। नाशपति का पेड़ है, उसके इतने अच्छे अच्छे मीठे वाले नाशपति आते हैं बहुत कभी। आ जाओ और भी पालक दिखा दूँ मैं आपको। खेतों में पालक लगा हुआ है, पालक देख लो आप। और ये पालक वाले पेड़ हैं, वो केले वाले हैं, उनको बड़ा होगा जब उस पर केले आएंगे बहुत सारे। धनिया वगैरह सब कुछ लगाया हुआ है हमने गार्डन में, आप देख सकते हैं। अमरूद का पेड़ दिखा दूँ आपको जरा। ये है हमारा अमरूद का पेड़, इधर आओ, इस पे छोटे छोटे अमरूद लगे हुए हैं। देखो दिखाना आ जाओ, ये देखो दिख रहे हैं आपको अमरूद छोटे छोटे। ये अभी कच्चे हैं, ये भी कच्चे हैं। ये देखो अमरूद कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं, और देखो इससे भी छोटा, ये देखो इससे भी छोटा। देखो कितने अच्छे अच्छे अमरूद लगे हुए हैं। यस उधर चलो, अब चलो यहाँ चीकू है उधर। ये चीकू का पेड़ आप देख लो, और ये देखो चीकू, इसमें कितने प्यारे प्यारे चीकू लगे हुए हैं। अभी ये कच्चे हैं, ये जब बड़े होंगे तब। ठीक है चलो, हाँ इस पे चीते आ रहे हैं। चलो तो और भी आपको दिखाती हूँ इधर। ये देखो ये दिखाती हूँ मैं आपको, इसको क्या बोलते हैं मुझे बताना कमेंट करके, इसको आप लोग क्या बोलते हैं? कुल्हाड़ी। ये कुल्हाड़ी नहीं है, ये फावड़ा है, फावड़ा। और ये है फावड़ा, और इसको कैसे यूज करते हैं ऐसे, मिट्टी खोदने के लिए इसका यूज किया जाता है। लवी लग जाएगी आपको पेड़ में, लग दो
तो यहाँ पर वैसे तो ये गार्डन की देख रेख करने के लिए वैसे तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं जो आते हैं, मतलब जो अंकल जिनका ये घर है उन्होंने गार्डन का देख रेख करने के लिए दिया हुआ है सारा घर। तो बस हम भी बीच बीच में देख रेख कर लेते हैं इसकी, थोड़ा सा हमें भी देखना पड़ता है, थोड़ा सा वो लोग जब आते हैं पानी वानी पौधों में डालना करना, ये सब उनका काम होता है। मैं आपको धनिया, चलिए मैं आपको धनिया भी दिखाती हूँ, कितना अच्छा अच्छा धनिया लगा हुआ है ये देखो आप, बहुत अच्छे अच्छे छोटे छोटे पौधे, कितना अच्छा लगता है ना, ताज़ी ताज़ी सब्जी बनाओ और उसमें ताज़ा ताज़ा धनिया आप लगाओ, मज़ा आ जाए। देखो कितने प्यारे प्यारे धनिया के छोटे छोटे से पौधे लगे हुए हैं, नभी उधर नहीं जाते, मम्मी मुझे एक और पत्ता मिला धनिया का, उधर भी धनिया का पत्ता क्या है उधर, इसका है धनिया का पत्ता है, धनिया का पत्ता है, आ जाओ मिट्टी में। सो फ्रेंड्स ये था हमारा संडे ब्लॉग, और ऐसा गया मेरा आज का संडे पूरा दिन, पौधे मैंने आपको दिखा दिए सब कुछ, अब हम यहाँ थोड़ी देर मस्ती करने वाले हैं, और बस ऐसे ही मेरा रहता है पूरा टाइम संडे का, और अधिकतर हम संडे को कहीं बाहर चले जाते हैं घूमने, बट इस बार हम गए नहीं क्योंकि आपको पता है स्थिति क्या चल रही है अभी, ठीक है, तो लवी को लेकर अक्सर हम चले ही जाते हैं संडे को बाहर। तो बस अभी इस व्लॉग का मैं करती हूँ यहीं पर एंड, अगर व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें, बाय बाय।